धन्यवाद मेरे उद्घोषक मित्र आज ख्याली गुरुग्राम के शंडियाला जनाब सैयद नेपाली साहब और नेपाली हिंदी अवधी उर्दू साहित्य साहित्यकार गजलकार और मेरे अजीजान और हमारे नेपाल प्रदेश सभा के सदस्य जनाब पुष्कर हमाल साहब लोग हंस रहे हैं लोग उनको पुष्कर हमाल से ही जानते हैं सुरेंद्र हमाल साहब और इस मौके पर मौजूद हमारे तमाम हाजरीन मुझे उर्दू तो पढ़ा हूँ शायद मगर ज़्यादा दिन बोलने का मौका ना मिले तो गुस्ताखियाँ हो ही जाती है बोलने बड़ी हम लोगों का खास करके अवधी में बोलना हम तो जितना भी स्पीच होता है अपना अवधी में ही देते हैं तो धीरे धीरे बड़ा मुझे दुख लगा आज देख के खुशी भी हुई कि हमारी अपनी जो कल्चर हमारी जो अपनी संस्कृति हम लोग भूलते जा रहे हैं आज बड़ा खुशी है मुझे कि हमारे सरवर साहब ने दुबई से आकर आज इस एक मौके पर हिंदी उर्दू नेपाली अवधी के गज़लकार साहित्यकारों को सम्मानित किया और फिर से जोश व जज्बा लोगों के अंदर पैदा किया है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो नेपालगंज के अंदर मुझे भी बड़ा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए था। बड़ा खुशी मिलता है इंसान के जीवन में कहते नहीं कि मैं उस दिन भी बोला था एक प्रोग्राम में आया था यहीं भी साहित्यिक प्रोग्राम में जैसे कि कुदरत ने तमाम तरीके से रंग दुनिया में भरे हैं फूल के रंग अनेक हैं लाल हैं पीले हैं हरे हैं गुलाबी हैं वैसे ही इस जीवन चक्र में भी रंग भरने का काम हमारे गज़लकारों का है चाहे वो हिंदी में है उर्दू में हो चाहे भोजपुरी में हो चाहे किस भाषा में उसके बिना हम लोग की ज़िंदगी ही अधूरी है। बड़ा खुशी है सरवर साहब ने जो आज एक कार्यक्रम मुनक्कद करवाया और हम लोगों को बुलाया इसमें तमाम लोग इसमें हाजिर हुए लोगों को सम्मानित किया जर्रा नवाजी के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से और मैं इंशाअल्लाह मैं एक यहाँ पे आप लोगों से वादा भी करता हूँ कि सरवर साहब से और हमारे जितने भाई यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है अपना पैसा दिया है कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोग्राम के लिए अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे उनका नाम रोशन हो उनके बिजनेस में खूब इजाफा हो। और मैं एक क्या कहना चाहता हूँ सरवर साहब से कि आने वाले दिनों में थोड़ी गर्मी हो जाए तो एक बहुत बड़ा उर्दू अवधी भोजपुरी और हिंदी नेपाली का एक मिश्रित मुशायरा करवाइए उसमें जितना भी कंट्रीब्यूट होगा मैं करूँगा और इंशाल्लाह यहाँ नेपाल में और हमारे जनाब सुरेंद्र पुष्कर साहब का भी उसमें विशेष सहयोग रहेगा। असकील भाई साहब बहुत जोर से ताड़ियाँ बजा रहे हैं इंशाल्लाह उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी रहेगी क्योंकि हम लोग अपना अदबी तालीमात भूलते जा रहे हैं। हम लोग अदबी अपना अदब आज देखिए कि लोग आपसे नहीं तुमसे बोलना शुरू कर दिए लोग तहजीब और अदब भूल गए। एक छोटा सा बच्चे से भी मैं लखनऊ में पढ़ा कुछ दिन 3 साल लगभग रहा देखते हैं कि छोटे से बच्चे से भी बूढ़ा भी कहता है आप कहाँ जा रहे हैं क्या माशाल्लाह मतलब इतनी मिठास होती है पहले के वक्त में दौर में देखिए नेपाल का ही देखिए मुल्की एन यानी जितने भी बने थे कानून वो सब उर्दू से मिक्स हुआ। खलील अंसारी साहब पहले संसद के वो आपको स्पीकर बने सभामुख बने और उर्दू में
नेपाल के संसद का इतिहास है, पहला सदन उर्दू और कुछ हिंदी मिक्स करके सदन का संचालन हुआ था। खलील अंसारी साहब जो पूर्वांचल से थे, मैंने इतिहास हिस्ट्री को पढ़ा, मैं तो भारत में पढ़ा, मगर जब देखा, मगर धीरे धीरे क्या है कि आज हम आप बात करते हैं अपने भाषा की, अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की, अपनी अदब की, अपनी तहजीब की। दुख है कि हम उस चीज़ को, ऐसे मुशायरे ना होना, ऐसे प्रोग्राम का मकद ना होना, लोगों को जमा ना होना, जो है तहजीब लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं तो वादा किया हूँ, जो भी होगा इंशाल्लाह मैं करूँगा। हमारे यहाँ के जहांगीर साहब लगाए हन्नान भाई, और हमारे मिराज साहब और रईस भाई पत्रकार हैं, शकील भाई माशाल्लाह FM के ज़रिए अपनी कलमकारी और उर्दू शायरी कर ही रहे हैं। हमारे साहित्यकार लोग भाई हैं, बड़ा उन लोगों का कंट्रीब्यूट है। और हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों से एक वादा किया हूँ, आप लोग मुरक्कत करिए, हम लोग पूरा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, हौसला अफजाई होगा। उस बड़े से प्रोग्राम में भी कम से कम हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के, नेपालगंज के जितने भी, चाहे अवधी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, नेपाली के जितने भी छोटे बड़े साहित्यकार, गजलकार हों, आज छोटे हैं कल बड़े होंगे, उनको सम्मान उस स्टेज पे किया जाए। इससे एक हौसला अफजाई होगा और लोग अपना साहित्य कर रहे हैं कि समाज में भरने का पूरा उनके अंदर जोश और दमखम भी दिखेगा। इंशाल्लाह हम लोग इसके लिए करेंगे। और जाते जाते हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि नेता तो राजनीतिक बात करते हैं, मगर हम राजनीतिक बात आज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे तो हम लोगों से एक प्रोग्राम बना है, हम लोग का 5 नंबर राजधानी बाकी होना चाहिए प्रदेश का, नहीं बनता है तो चाहे 8वां प्रदेश नेपाल में क्यों ना बने, उसमें हम लोग एक बना छपर हो रहा है कि हम लोग विरोध का कार्यक्रम एक दिन गजलकारी करवा के साहित्यकार लोगों को मिला के भी हम लोग बंद नहीं करेंगे। साहित्यकार लोगों को बुलाएंगे, गजलकार लोगों को बुलाएंगे, और एक किसी भी विरोध का कार्यक्रम बनाया प्रोग्राम वो फ्लैश किया जाएगा इंशाल्लाह। और मैं सरवर साहब के लिए, और ख़ास करके मैं अपने लिए, मैं भी जो है बड़े मुश्किलों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद चुनाव जीता हूँ, और सरवर साहब हमारे पास गए थे, और बदरुद्दीन साहब थे, और कुछ लोग थे कि एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। इश्तियाक भाई कैसे किया जाए, हम लोग यहाँ के बड़े दिल वाले लोग हैं, क्योंकि अवध से बिलोंग करते हैं हम लोग, खाने में, पीने में, देने में, बांटने में, हौसला अफजाई करने में दिल वाले लोग हैं। आप आगे बढ़िए, इंशाल्लाह आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो एक, मैं तो उर्दू नहीं, हिंदी में शायर, शायरी किसी का शायर है और चुरा लिया हूँ, बहरहाल मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ। डर मुझे भी लगा था फासला देख कर, डर मुझे भी लगा था फासला देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देख कर। आपने एक फासला जो भी था, मेरे लिए भी वही चैलेंज था, फासला जितना भी था, आप रास्ता देखते गए, बढ़ते गए और मंजिल आपके करीब आती गई। बस इसी के नज़्म के साथ में इसी शायरी के साथ में अपनी बातों को ही मैं जो है खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद।